सिरमौर जिला के नाहनबा शिलाई में कद्दावर भाजपा नेताओं की हार चर्चा में। 2017 में सीएम के दावेदार के रूप में चर्चा में रहे डॉक्टर राजीव बिंदल को पार्टी द्वारा ही खुटे लाइन अथवा साइड लाइन किए जाने के भी चर्चे। शिलाई में सीएम के खासम खास कहलाने वाले गिरिपार को एससी स्टेटस के सूत्रधार बलदेव तोमर की भी हुई हार। कांग्रेस की शानदार जीत से कर्मचारियों को जल्द ओपीएस बहाल होने की उम्मीद। महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता तो युवाओं को पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियों की आस जगी। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री का गृह जिला रहे सिरमौर में इस बार नाहन व शिलाई हलके में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत से ज्यादा कद्दावर भाजपा नेताओं की हार के चर्चे हैं। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मीडिया की सीएम के दावेदारों की संभावित सूची में शामिल रहे डॉक्टर राजीव बिंदल जहां अपने गृह जिला सोलन के बाद सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से भी 2 बार जीते, वहीं इस बार इस कद्दावर नेता को हार का सामना करना पड़ा। चर्चा इस बात की भी है कि डॉक्टर बिंदल को पार्टी द्वारा ही साइडलाइन किया गया। मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके उक्त नेता को चुनावी साल में कोई भी महत्वपूर्ण पद न दिया जाना लोग उनके हारने अथवा पार्टी द्वारा साइडलाइन किए जाने का मुख्य कारण व सबूत मान रहे हैं। इसके अलावा सीएम के खासम खास एवं करीबी कहलाने वाले शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर की हार भी चर्चा में है, क्योंकि गिरिपार को एससी स्टेटस संबंधी 55 साल पुरानी मांग सिरे चढ़ाने के साथ साथ प्रदेश व जिला के दुर्गम क्षेत्रों में शामिल शिलाई में एसडीएम ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, एसडीपीओ व डीएसपी ऑफिस, सिविल कोर्ट, अधिशासी अभियंता कार्यालय व सिविल हॉस्पिटल जैसे कई बड़े संस्थान अथवा दफ्तर खुलवाने के लिए पिछले 5 सालों में वह लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहे। सिरमौर जिला में 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां 5 में से 3 सीटों पर भाजपा काबिज हुई थी, वहीं इस बार नतीजे इसके उल्टा हो गए। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में जहां ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी गणेश जंग को जिला में सबसे ज्यादा 8,596 मतों से हराने में कामयाब हुए, वहीं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने सीएम के करीबी बलदेव तोमर को महज 382 मतों के अंतर से हराया। इसके अलावा पछाड़ से भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप ने कांग्रेस कैंडिडेट दयाल प्यारी को 3,857, नाहन से अजय सोलंकी ने राजीव बिंदल को 1,639 व रेणुका जी से कांग्रेस के विनय कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट नारायण सिंह को 860 मतों से जानकारी के अनुसार हराया। कांग्रेस की जीत से प्रदेश व जिला सिरमौर के कर्मचारी बेहद उत्साहित है, क्योंकि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए भत्ता, युवाओं को पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियां देने व दूध व गोबर की खरीद का भी वादा किया गया है, जिसके चलते महिला व बेरोजगार वर्ग के साथ साथ देवभूमि हिमाचल के किसान भी नई सरकार से काफी आशावान है। कांग्रेस के अलावा हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी सूबे की जनता से ऐसे लोग लुभाने वादे किए थे, मगर केजरीवाल के वादों अथवा गारंटी पर संभवतः प्रदेशवासियों ने यकीन नहीं किया, जिसके चलते दिल्ली व पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार चला रही आपका यहां खाता भी नहीं खुल सका। अब तक कांग्रेस द्वारा सीएम फेस डिक्लेयर न किए जाने के चलते सियासी गलियारों में तरह तरह के चर्चे भी है। ईमानदारी की जीत हुई है और नाहन विधानसभा क्षेत्र की हर एक निवासी की जीत हुई है। मैं सभी का धन्यवाद दिल की गहराइयों से करना चाहता हूँ और ये जीत एक ऐतिहासिक जीत है और एक बहुत बड़ी ईमानदारी की जीत है, सच्चाई की जीत है और नाहन विधानसभा क्षेत्र के हर एक निवासी की जीत है और इसका श्रेय जो हर एक कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस परिवार के हर एक सदस्य को और नाहन निर्वाचन क्षेत्र के हर एक प्रबुद्ध जनता को जाता है। मैं इसका श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगा और ये जो एक आगाज़ हुआ है इसको हम मैं प्रयास करूँगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए प्रयासरत हूं। राज बदला है, हमने सत्ता कई बार कहा कि हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। जब व्यवस्था परिवर्तन तो होगी, इसलिए मैं आज सब लोगों से, इसलिए मैं आज हिमाचल के सभी युवा साथियों का, महिलाओं का, मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार को आपने आपने चुना है